दोस्तों नमस्कार। भारत की सर्वोच्च अदालत ने नीट यूजी 2024 पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए नो रीनीट कहा है। इस फैसले से कहीं खुशी कहीं गम की बात हो सकती है, लेकिन हाँ, भारत की मेडिकल एजुकेशन में सबसे बड़ा ये जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम के कई सारे तथ्य और इस एग्जाम की कई सारी परतें आम इंसान के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का सहसम्मान स्वागत है। यहां मैं उन बच्चों से सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो इस फैसले को लेकर खुश हैं। आपको अपने जीवन में कामयाबी मिले, लेकिन शायद इस बार की रैंक के उछाल के बाद वो कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है जो पहले मिल सकता था। दूसरे उस पक्ष में बात करना चाहूंगा वो बच्चे जो इस फैसले से नाखुश हैं और बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे कि MBBS की सीट ले ली जाए। बच्चों, एक शिक्षक होने के नाते जितना आपके लिए खड़ा हुआ जा सकता था, जितनी आपके लिए बात की जा सकती थी, रीनीट पर जितने तथ्यात्मक विश्लेषण करके जो चीजें मेरे संज्ञान में थी आप तक पहुंचाई जा सकती थी, मैंने वो करने का पूरा प्रयास किया। कम से कम अपने आप में इस बात का आत्मविश्वास मुझे है कि जिस समय मुझे विद्यार्थियों के साथ खड़े होने की आवश्यकता थी, बोलने की आवश्यकता थी, तब मैंने चुप्पी नहीं साधी। मेरे लिए अपने आप में यही सम्मान की बात है। आप सब लोगों से आज नीट यूजी 2024 की वर्डिक्ट या फैसले को लेकर 3 से 4 बातें बहुत संक्षिप्त में करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने नो रीनीट इसलिए कहा है क्योंकि जो एविडेंस, जितने सारे प्रमाण और जितने सारे फैक्ट्स और तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए वो रीनीट करवाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी काम की बात, अभी CBI की इंक्वायरी चल रही है, ये बहुत साफ हुआ है कि करीब 155 बच्चे जो हैं वो बेनिफिशियरीज हैं और इन बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मार्क किया कि CBI की इंक्वायरी जो है वो लगातार चल रही है और आगे भी किसी प्रकार का कोई दोषी अगर पाया जाता है, चाहे उसका MBBS में एडमिशन ही क्यों ना हो जाए, उसको पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस और MBBS एडमिशन से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला आया जिसकी बात करते हैं। आपको पता है फिजिक्स के क्वेश्चन में 2 आंसर दिए गए थे। आज IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए सिर्फ एक आंसर फाइनलाइज किया, जिसमें आपको पता है फिजिक्स का एटम का जो क्वेश्चन था उसमें दोनों स्टेटमेंट्स के बजाय एक ही स्टेटमेंट फर्स्ट को करेक्ट माना गया, सेकंड को इनकरेक्ट माना गया। और इससे बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, 5 नंबर माइनस होने वाले हैं बहुत सारे बच्चों के और शायद ये करीब 4.5 लाख बच्चे हैं। तो इस तरीके से रैंक पर भी मुझे लगता है एक बड़ा असर आएगा। जैसे आप जानते हैं 44 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स के कारण 720 पर पहुंच गए थे। तो आपका रिजल्ट फिर से एक बार पब्लिश होगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे मायूस हैं, कुछ बच्चे निराश हैं, 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे और उन बच्चों को सफलता हाथ नहीं लगी। वो सोच रहे थे शायद एक चांस और मिल जाए। बेटा, एक चांस अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जीवन यहीं खत्म नहीं हो जाता है। आप पूरी मेहनत के साथ लगे रहिए और मैं सभी बच्चों से, अभिभावकों से वादा करता हूं कि जब भी एक शिक्षक के तौर पर, एक मेंटर के तौर पर मेरी कहीं भी जरूरत महसूस होगी, मैं सदैव खड़ा मिलूंगा अपनी प्रतिबद्धता और अपनी कटिबद्धता के साथ। बहुत सारे हेटर्स इन दिनों बहुत सारे मैसेजेस, टिप्पणियों के साथ, फोन कॉल्स के साथ मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि ऐसे लोगों के होने के कारण ही हम सजग रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही के कारण हमें पता लग पाता है सही क्या है, गलत क्या है। सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।